हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और शाम के बज रहे हैं 7:45, 6:40 हो रहा है। और मेरा 2 दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा है क्योंकि लल्ला का हो गया है तबीयत ख़राब। वो भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार सब हो गया है। उसको लेके हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे मतलब खांसी हो रही है एकदम से, वो चिड़चिड़ा जैसे हो गया है। और हम परसों उसको दिखा के लाए थे, जब उसको जुखाम हुआ था तभी हम दिखा के उसको लाए थे, बट नहीं ठीक हुआ। अभी उसके पापा फिर लेके गए उसको दिखाने के लिए। बगल में ही डॉक्टर हैं तो उसके पापा आए ऑफिस से तो लेके गए दिखाने के लिए, तो दिखा करके अभी लाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया है। बच्चों का जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो माँ का क्या हाल होता है, शायद आप लोग सोच सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा घी से मालिश, विक्स, तेल दिन भर मतलब हम उसको कर ही रहे हैं। कटोरा में, एक कटोरा में घी, एक कटोरा में तेल, लहसुन, अजवाइन होता है, वो सब पका के मालिश करने से सब कहता है कि सर्दी ठीक हो जाती है, बट कुछ आराम नहीं हुआ है। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है क्या ही बताएं। कभी बारिश होती है, कभी इतना ज़्यादा धूप हो जाता है, तो बड़े लोग पे इतना ज़्यादा असर होता है तो बच्चों पे क्या बीतेगा। और मैं बोली थी कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, आऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं क्या सब शॉपिंग की हूँ, तो मैं दिखाऊँगी आप लोग को। और इस ब्लॉग में तो शायद ही हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो मैं, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग मैं डाल रही हूँ, यही जो मतलब अल्लाह का तबीयत ख़राब की वजह से ब्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ, तो देखती हूँ अभी अगर हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाएँगे। क्योंकि उस रूम में बहुत सारा कपड़ा जो मैं धोई थी कल शाम को, साड़ी वगैरह 2 दिन से पहनी थी तो वो धुली थी, तो वो सब है मोड़ने के लिए, तो उसे अभी हम फोल्ड करेंगे। और एकदम से जैसे रात में जब वो हो जाता है ना, बच्चों को लेके जगना पड़ता है, तो सुबह में बिल्कुल थकान जैसी महसूस होती है। और मेरे साथ दुख के साथ एक खुशी भी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव का प्रमोशन हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जो इनका प्रमोशन हो गया और ये ऐसे ही बढ़ते रहें और अपने परिवार का, अपना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। तो उसकी खुशी में भी छोटी सी पार्टी रखेंगे तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बट लल्ला का तबीयत ख़राब की वजह से पार्टी भी अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब कि अभी कोई मतलब वो डेट तय नहीं हुआ है। और होगा तो दुर्गा पूजा भी सामने आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही हो जाएगा, बट अभी डेट टाइम कुछ फिक्स नहीं हुआ है। और ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं, छोटी सी पार्टी हम रखेंगे, जो इनके मतलब क्या बताएं उसको, नज़दीकी जो आदमी हैं, जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हैं, उन्हीं सब को बुलाया जाएगा। बाद बाकी ऐसा कोई बड़ा कुछ होगा नहीं लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ा सा भी दुखी हूँ क्योंकि लल्ला का तबीयत हो गया है ख़राब। और कैसे क्या होता है शेयर करूँगी आप लोग के साथ, तो मैं ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग से मिलने के लिए डाली हूँ, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को पसंद आई होगी। और आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद लाइक नहीं होता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं, शायद आप लोग भी समझ सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग से मिल चुकी तो
इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। और जैसे कि लल्ला की तबीयत ठीक होगा मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और जो मैं पार्टी की बात की हूँ कि मैं छोटी सी पार्टी रखूँगी अपने पति के प्रमोशन की खुशी में, तो वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।